फिर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया है अपना यह छोटा सा भाषण फॉरेन अखबारों में छप गया। मैंने जो भी डिस्कशन हुआ था कि हम दूर दूर से जाके कहीं से भी नाक लेकर आएंगे, उसका मटेरियल लेकर आएंगे, तो हिंदुस्तान के हर एक अखबार में छप गया कि ये सब हो रहा है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा, माने पत्थर की खोज में निकल पड़ा जो मूर्तिकार था, दूर दूर गया, हर एक जगह गया और पत्थर ढूंढ रहे। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, सैड, रिग्रेट करते हुए लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, लानत माने शिट मैन, मैं ये भी नहीं कर सका। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। ऑब्वियसली हमारी चीज ही नहीं है तो हमारे यहाँ कहाँ मिलेगी, ये तो है ही विदेशी, मैंने एक सरकाज्म भरा, ये तो है ही विदेशी, उसकी इज्जत वहां मिलेगी, यहाँ तो इसकी इज्जत ही नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि वो आया और बोला कि विदेशी मटीरियल है, यहाँ का मटीरियल नहीं है। सभापति ने तैश में आकर कहा, जोश में, लानत है आपकी अकल पर, विदेशी की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। देखो सरकाजम, यहाँ पे भारत में सब वेस्टर्न चीजें अपने हमने अपनाई, हमारा दिल भी वेस्टर्न हो गया, दिमाग भी वेस्टर्न हो गया, हमारे रहन सहन वेस्टर्न हो गए, तौर तरीके वेस्टर्न हो गए। जब हिंदुस्तान में बॉल डाउन तक मिल जाते तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, माने व्यंग्य है। हम लोग अपना लाइफ स्टाइल पूरा कन्वर्ट कर दिए, किसमें कन्वर्ट किए बोलो, वेस्टर्न फॉरेन चीज। लाइफ स्टाइल Exactly. तो ये भी व्यंग्य है कि हर चीज यहाँ मिल जाता है, बॉल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्या चीज है। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। क्या वामिका, हम ये लोग किसी और मूर्ति का भी तो निकाल के पत्थर, क्योंकि इन लोगों ने तो खाली जॉर्ज पंचम के लिए अभी रख आएगा दिया आगे, था। आप जो बोल रहे हो वही चीज आगे आएगा, देखते हैं कि किसी और का हाँ निकाल। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, चमक आ गई मारे कुछ, उसको आइडिया आया कि उसको होप आ गया, वाई नॉट टू डू दिस। क्या किया वो, उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचे, माने मीडिया में नहीं छपना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई, जो मेन लीडर था उसकी आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अपने देश, अब इंडियंस का मूर्ति का बात कर रहे हैं, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए, माने हिचकिचा रहा है हमारे देश भक्तों की, हमारे देश के क्या बोलते हैं लीडर्स की, नेताओं की, जिन्होंने इतना कुर्बान कर दिया देश के लिए सब कुछ, आज उसकी नाक को निकाल के बात किया जा रहा है उस फॉरेनर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाने की। जस्ट सोचो कितना देंगे चीजें, हम अपनी चीजों को सोचो अपने को तोड़ देंगे पर उसको तो सेटल करके ही रहेंगे, समझ रहे हो यहाँ पे ये चीज। मैम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जॉर्ज पंचम वाला ही मूर्ति तोड़ देना चाहिए, इतना झमेला कौन सेम, करेगा। आई वाज हाँ गोइंग टू से द सेम थिंग, इतना झमेला कर रहे, फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं। वैसे भी इंडियन नहीं है, तोड़ दो मूर्ति, बाद में वो जब चली जाएगी रानी फिर नया बना पता ही देना। नहीं चलेगा उसको कभी फिर कुछ नया काम बनाना है। ही बट उन नहीं। लोगों को तो रानी को इम्प्रेस करना था कि इंडिया मतलब इतना वैल्यू देता है वो तो लोगों को। इंडियन कल्चर दिखा के इम्प्रेस करे ना, फॉरेन कल्चर इंडिया में यूज करते वो चीज और दिखा के ऐसा कि ही था तो इंडिया नया मूर्ति फॉरेनर्स बन जाता, कैसे वो उसको तोड़ के करते, नया ही बना देते। नहीं तो वो इम्प्रेस ही नहीं होते ना। सो मेनी थिंग्स है ना एक्चुअली इम्प्रेस इम्प्रेस। का क्या है, नया बना देते उसको तोड़ के, इतना टाइम वेस्ट किया पत्थर ढूंढने में। तो यही तो इंडिया, इंडियंस की एग्जैक्ट खासियत है, एक नहीं होता इंडियंस की, मैंने पहले मैंने ऑब्वियसली आई लव माई कल्चर, आई लव इंडियंस, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडियन, बट जो भी स्टोरी के हिसाब से बोला जाए तो इंडियंस की यही खासियत बोली जा रही है, डिले करना, राइट टाइम पे राइट सिलेक्शन नहीं करना, और सेकेंड चीज इम्प्रेस करना। भाई इम्प्रेस करना ही क्यों है, नाक नहीं है तो नहीं है, मेरा पॉइंट तो ये है, इम्प्रेस तुमको उसको करना ही क्यों है, वही वो वही वही तुमको वही हमारी हमारी दुनिया की, मैंने हमारे भारत की रानी नहीं है, कहीं और की रानी है, ये सब सोचना चाहिए ना। तो आगे देख, चलो तो सोचो हमारे देशभक्तों की नाक निकालने के लिए रेडी हो रही है एक जॉर्ज पंचम के लिए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, पहले तो वो लोग सैड थे अब खुशी की चमक है। सभापति ने धीमे से कहा, धीरे से बोला लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा, माने वापस वो ढूंढ रहे हैं कि इस बार नाक क्या ढूंढ रहे, इस बार मूर्ति देखेगा कि किसकी नाक फिट होगी। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, माने मेजरमेंट कर लिया था। दिल्ली में इससे वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नरोजी, हमारे लीडर्स का नाम देखो, बड़े बड़े दिग्गज लोग का, उन लोग हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं, हमको तो लगता है। दादा भाई नरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौफस जी, जहांगीर, सबकी नाके उसने टटोली, नापा।
नापी और गुजरात की ओर भागा, माने इधर भी नाक नहीं फिट हुआ तो वो गुजरात गया। गुजरात के लीडर्स का नाम क्या है? गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेवी देसाई की मूर्तियों को परखा, फिर बंगाल की ओर चला, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप झोंक की ओर बिहार की तरफ चला, बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर गया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, माने उनकी मूर्ति के पास भी गया। सबसे पहला चीज ये है, हमारा भारत फुल ऑफ लीडर्स है, फुल ऑफ देशभक्त लोग है, फुल ऑफ नेता है। देख रहे हो जिस भी जगह जा रहे हैं नेता, माने हमारे देशभक्ति के लोग खड़े हैं जिन्होंने कुर्बान किया अपना जीवन देश को आजादी दिलाने के लिए, उन सबका नाम है ये सब। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता रहा, माने सब जगह टूर किया। पंजाब पहुंचा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाठों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, माने पूरा राउंड लगा दिया परिक्रमा, माने सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक, इस नाक से सब बड़ी निकली, माने हमारे नेता की नाक बड़ी है, इज्जत बड़ी है, तुच्छ नाक से, इस छोटे नाक से, माने मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहे, तुम समझ रहे हो, इज्जत के हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ पे सरकार वापस है कि जो नाक है, सबकी नाकें क्या निकली, सबकी इज्जत क्या निकली, बड़ी निकली, कितना कुर्बान किया है तो कुछ नहीं था, ऐसे करके। सुनकर सब हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। सोचो अब बच्चों की नाक भी जा रहे, जो बच्चे शहीद हुए थे, देखो क्या लिखा है, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां है, शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए, बच्चे की नाक इनकी नाक सेम हो जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कड़ी बड़ी निकली। अब बताइए मैं क्या करूं, माने जो हमारे छोटे छोटे देशभक्त बच्चे हैं, जो शहीद हो गए देश को आजादी दिलाने के लिए, उनकी इज्जत, उनकी नाक भी उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। समझो छोटे बच्चे की नाक भी कैसे बड़ी निकलेगी, इज्जत के हिसाब से बोल रहे, इज्जत बड़ी निकली। यस मां। राजधानी में सब तैयारियां थी, माने दिल्ली में सब डेकोरेशन हो गया, सब रेडी हो गया। पंचम की लाट को मल मलाकर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। माने पंचम की लाट को, माने मूर्ति को नहलाया धुलाया, बहुत अच्छे से स्मेल वेल एकदम परफेक्ट किया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, पर एक कमी थी, नाक, इज्जत ही नहीं था उसका। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकूमत तक पहुंची और हाई पोस्ट वालों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लगाई गई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, माने अगर इधर नाक ही नहीं हुआ फॉरेनर का, फॉरेनर का इज्जत ही हम लोग शो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग रानी को कैसे स्वागत करेंगे। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, माने क्या बात हुई, अपनी खुद की इज्जत गवा रहे। माने हम लोग अपनी इज्जत किसकी इज्जत में रखते हैं, दूसरे की इज्जत में, विच इज टोटली रॉन्ग, पूरा रॉन्ग है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, दूसरों के हाथ में नहीं होती है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हर मानने बाहर मानने वाला कलाकार नहीं था, पैसा चाहिए भाई उसको तो वो हार नहीं मानेगा। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई, माने रिपीट किया एक चीज वापस से, पहली शर्त माने जो फर्स्ट टाइम शर्त बोला था। जिस कमरे में कमेटी बैठी है उसके दरवाजे फिर बंद किए गए, माने मीडिया तक खबर नहीं होना चाहिए। और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। माने 40 करोड़ लोग हैं हमारे देश में भारतीय, चलो एक जन की जिंदा इज्जत ही काट देते, जिंदा नाक ही काट देते। माने इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये हम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं दूसरे फॉरेनर की इज्जत बचाने के लिए, एक जीते जाते नहीं मिल रहा है ना, सरकाजे में पूरा तो थोड़ी ना, सच में वैसे सरकाजे में नहीं मिल रहा ना, किसी का फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो बोला जिंदा नाक लगाया जाए, मतलब जिंदा नाक इन दी सेंस क्या हुआ, हम लोग अपनी जिंदा इज्जत भी मार सकते हैं, मतलब हम लोग इतने करप्टेड हम खुद को मार सकते हैं फॉरेनर के सम्मान के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा नाक लगा दी जाए। फिर उसके बाद देखो क्या है, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, बात हुई और साइलेंस हो गया, कुछ मिनटों की खामोशी, माने कुछ मिनटों माने कुछ मिनट तक साइलेंस था।
खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, माने मूर्तिकार थोड़ा चौक उठा, शॉक्ड हो गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, सॉरी, माने आप क्यों टेंशन कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, सब काट तो पाट के मैं रहूं। मूर्तिकार के हिसाब से तो वैसे जाएगा, सब लोगों का नाक नाक को नापेगा और फिर किसी एक जन का नाक को काट लेगा, मतलब ऐसे इंसान बैठा है उसको जाके नाक को काट लेगा वो। मुझे लगेगा भी कितना स्टूपिड, पूरा पत्थर का बना हुआ नाक बीच में एक रियल इंसान का, मतलब कुछ भी बकवास करते हैं लोग। ठीक है तो ये है कुछ भी मतलब, तो ये वैसा है, बट आप लोग इनर मीनिंग में जाओ, ऊपर में रहोगे तो नहीं समझ पाओगे, डूब जाओ इज्जत के ऊपर डूबो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, जिंदा ना कहा, बट थोड़ा डूब जाओ अंदर की और तभी समझ पाओगे। तो वो बोला, हम आप लोग परमिशन दीजिए, हम सब कर देंगे। कानाफूस हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई, मैंने कान कान में बात हुआ और मूर्तिकार को इजाजत दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया, अखबार में कुछ नहीं बताया कैसे क्या, सिर्फ इतना पता चला कि नाक आ गई टाइप्स, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई, माने जो इंडिया गेट है उसी के पास जो हम लोग का मूर्ति था उसमें नाक लग गई है, मूर्ति पर नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनात हुई, माने सब लोग आ गए पहरेदार लोग देखने के लिए कि कुछ होने जाए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, जो आसपास तालाब है उसको साफ कर दिया गया, ठीक है, उसकी रबाब निकाली गई, रबाब माने उसके अंदर जो कीचड़ है, माने पानी तो था ही नहीं तालाब में, कीचड़ था उसको भी निकाल दिया और ताजा पानी डाला ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए, माने एनवायरनमेंट थोड़ा आसपास अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को पता नहीं चले और जिंदा नाक सूख नहीं जाए, ऐसा नहीं लगे कि नकली है समथिंग है, ऐसा ही लगना चाहिए कि वो मूर्ति की नाक है, इसीलिए जो तालाब में पानी नहीं था कीचड़ था, सोचो कीचड़ को निकाला फिर उसमें पानी भरा, माने सोचो हम लोग कैसे रहते थे। नेक्स्ट, इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, जैसे हम लोग जनता है हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है, ऊपर में जो हो जाता है वो हो जाता है करप्शन। रानी के आने के बाद आने के दिन नजदीक आता जा रहा था, मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, मूर्तिकार को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं बोल तो दिया बट उसको प्रॉब्लम हो रहा है। जिंदा नाग लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, क्या मदद मांगी होगी, पैसा, बिकाऊ चीज है पैसा और क्या, तो उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन पर हर हालत में नाक लगनी चाहिए। खास दिन कौन सा, जब वो रानी आ रही है उस दिन तो नाक होना ही चाहिए, और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। उस सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है, माने ऐसा आया कि जॉर्ज पंचम में मानो ऐसा नाक लगाया गया जो रियल लग रहा है, माने लोगों को तो नहीं पता था ना, तो मानो ऐसा नाक लगाया गया जो दिखने में कैसे रियल है, रियलिस्टिक फील दे रहे हम लोग को, फेक लग नहीं रहे ऐसा, माने लोगों को नहीं पता था कि रियल नाक। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी का उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा माने पब्लिक का जो एक सभा होता है, मीटिंग होता है, कुछ नहीं हुआ, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, माने कोई वेलकम नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, माने कोई हम लोग किसी को कुछ दे रहे हैं लेटर या इज्जत का, कुछ भी नहीं हुआ, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी की ताजा चित्र नहीं छपी थी, सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए, बूथ माने मूर्ति के लिए। ये जो लास्ट वाला चीज है इसमें आप लोगों को ये पता चला कि अखबार खाली था, जो हमेशा भरती रहते हैं, कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई गिफ्ट नहीं हुआ, कोई चीज खबर नहीं आई, अखबार खाली था। मेरे को आप लोग का रिव्यू चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया कि नाक, माने कोई भी खबर नहीं आया, कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज नहीं था, वाई क्यों ऐसा क्यों था, अपना अपना रिव्यू। मैम क्योंकि मेरे हिसाब से ये बात तो मतलब जो मीडिया वाले लोग थे या जो भी न्यूज़पेपर छापते थे उन लोगों को तो इसके पीछे का एक्चुअल स्टोरी या वैसे कुछ पता ही नहीं था, बस उन लोग देखा कि मतलब उन लोग को इतना ही पता था कि उसका नाक लग गया है और उनके हिसाब से वो जो नाक था वो रियल नहीं था, वो बस दिखने में रियलिस्टिक था,
उन लोग को एक्चुअली तो जैसे पहले सारा खबर उन लोग के पास पहुंच जाता था, फैल जाता था, तो उन लोग न्यूज़पेपर में छाप देते थे। मेरे हिसाब से उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं होगा तो उन लोग क्या छापेंगे। मेरे को लगता है हाईलाइट करने के लिए कि जॉर्ज पंचम की रियल नाक लगी, हाईलाइट करने के लिए बड़ा न्यूज बनाने के लिए और कुछ खबर नहीं दिया, खाली उस खबर को दिया। नंदिनी आप भी बताओ, सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट्स बताओ, क्यों ऐसा था उस दिन? खबरों में कोई गौर करने की, एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं आई, कोई भी फीता नहीं काटा गया, कुछ नहीं हुआ, बोलो। मैम बिकॉज मेरे को क्या लग रहा है कि ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों को रियलाइज हो गया था कि अपना मतलब सेल्फ मतलब इज्जत, ये लोगों को समझ में आ गया था कि उसका नाक लग गया है, बट देन लोगों का इज्जत भी उतना नहीं मतलब कम हो गया। तो देखो हम बोलते हैं इसका बेसिकली क्या है, इसका ना ये ओपन एंडेड वाली चीज है, इसका कोई ये नहीं है कि कोई क्लोज एंडेड है, क्योंकि यहाँ पे रिवील नहीं किया गया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो गौर करने वाली चीजें, एक ये हो सकता है कि रानी आई नहीं, क्योंकि रानी आती तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता रहता, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी नहीं होती, तो लास्ट में ये होता है कि जिनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग कोई अहमियत ही नहीं रखते, वो आई नहीं टाइप से ऐसा। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि ये एक मीडिया की तरफ से आक्रोश था क्या, कि एक फॉरेनर की इज्जत बचाने के लिए, एक फॉरेनर की नाक के लिए तुमने इतना सब कुछ कर लिया, क्योंकि मीडिया से कभी कुछ बच नहीं सकता है, तुमने इतना कुछ कर लिया तो एक आक्रोश है कि कोई खबर नहीं है उस दिन, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम रानी का वेलकम करो, वैसी न्यूज भी हमें चाहिए ही नहीं, माने उनको कुछ अंदर का नहीं पता, तो वी डोंट वेलकम ओनली दिस न्यूज, तो ये आक्रोश के लिए भी एक हो सकता है। तो दोनों वे से अपने ले सकते हैं, इसीलिए अखबार खाली था, कुछ था ही नहीं छापने के लिए, क्यों? क्योंकि इज्जत पूरी चली गई, अब क्या खबर छापोगे, इट्स लाइक दैट। बोलो अपना अपना मतलब मैम बेसिकली इसमें कि कोई एंडिंग ही नहीं है, इसमें हम लोग अपना खुद का ओपन एंडेड है, हाँ ओपन एंडेड व्यू होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लेना, बट ये ओपन एंडेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपने आप से बोला नहीं गया कि यही चीज हुआ या क्लियर किया गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो मैम जो आप बोले, ये जो क्वेश्चन आया, तो फिर मैम इसका तो एक कॉमन आंसर होना होगा ना, भाई तो बता दूंगी, भाई मैं आप लोग को लिखवा दूंगी, तो वो आप लोग लिख देना, बट इसका अगर अपने डिस्कशन के तौर पे आएंगे तो वो यही है कि क्यों नहीं हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, ये लाइन देख रहे हो नंदिनी और वामी का वृद्धि, कहीं हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत नहीं हुआ, स्वागत क्यों नहीं हुआ होगा बोलो, कोई आया ही नहीं होगा, लॉजिक समझ रहे हो, रानी नहीं आई होगी इसीलिए, कि वो आई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो होगा क्या, हम बेचैन हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमने इतना कुछ कर लिया, एक बड़ा प्रॉब्लम के लिए उस रानी के लिए इतना कुछ किया और फिर वो आई नहीं, तो माने उनके लिए सबसे सार्कास्टिक वो रानी थी जो इतना कुछ कराई बिना अपने प्रेजेंस के, और एंड में जिसके लिए हुआ वो आई नहीं। वेरी गुड, ये भी चीज है, माने हम लोग उंगलियों पे इशारों पे नाच रहे, बिना मिले बिना कुछ किए, वेरी गुड, ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि बिना कुछ लिए बिना कुछ किए हम लोग सिर्फ इशारों पे नाचना जानते हैं। और बोलो और डिस्कस करो, और ऐसा भी हो सकता है कि रानी, मैम ऐसा हो सकता है कि रानी इतना तैयारी की थी, इतना मतलब इतना रेशमी कपड़ा और ये सब से इतना तैयारी की थी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो आएंगी नहीं, और या तो हमारे देश वालों को रियलाइज हो गया होगा कि वो लोगों का रिस्पेक्ट, वो लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अपना देश का जो इज्जत होता है उसके लिए वो लोग इतना वो गिर गए काइंड ऑफ कि वो लोग भूल ही गए कि मतलब हमारे देश के लिए वो लोग रानी का मतलब फिर उतना एंट्री मतलब उसका स्वागत नहीं किया गया उतना धूमधाम से, बोल सकते हो लेने के लिए कुछ भी है तो, बट डू यू रियली थिंक एक दिन में बदल जाएगा क्या? अगर मैम ये भी तो हो सकता है कि वो रानी है मैम, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, वो जितना ही पैसा खर्चा कर लास्ट में उसका प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाए, वही तो चीज है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंस है, वही चीज, उनके लिए उनका देश इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग के लिए वो रानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी गुड, यही चीज इसका बोलो। बट फिर हम लोग क्या मतलब इसमें एंड में कंक्लूजन में क्या आता है, इसमें तो आपने दोनों बात बोल दिया, मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें होगा क्या,
इसमें बेसिकली यही है कि रानी आई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन था ना, बेसिकली अकॉर्डिंग टू, अगर रियलिस्टिक ऑप्शन में जाना है तो रानी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही है, देश में कुछ भी उद्घाटन नहीं हुआ, कोई फीता नहीं कटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, क्योंकि अगर रानी आती तो ये सारी चीजें होती, ये सबका ताजा चित्र छपता, स्वागत होता, बहुत सारी चीज हुई. बट ये जो लाइन है, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आई नहीं तो स्वागत समारोह होगा कहाँ से. तो यही चीज इसका एंडिंग है, समझ. अगर रियलिस्टिक में देखोगे तो दिस इज दी थिंग, क्योंकि कुछ अपना दिया नहीं है. मैं क्या कर रही हूँ, नोट्स ना ग्रुप में भेज रहा, आप लोग लिखना चालू करो. आप लोगों को इतना क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम से, इसीलिए पहले मैं नोट्स इसका ही दे रही हूँ, माता का अंचल नहीं दे रही हूँ. ठीक है, पहले इसी का करेंगे अपने. कूल, ठीक है मैम. ओके, मैंने जो भेजा देखो, लिखना स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहो. तो चैप्टर तो अपना यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक भी अपने ऐसे ही एक क्लास में एक चैप्टर पूरा खत्म करके नोट्स वोट सारा एक ही दिन में कर लेंगे, बेस्ट रहेगा. ठीक है,